पक्ष के पावन अवसर पर ताजगंज मोक्षधाम परिसर में सत्संग भवन में संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने बजरंगबली के चरणों में सुंदरकांड प्रस्तुत किया। पितृपक्ष के पावन अवसर पर ताजगंज मोक्षधाम परिसर में सत्संग भवन में संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने बजरंगबली के चरणों में सुंदरकांड प्रस्तुत किया। सत्संग भवन में आयोजित सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम में मौजूद क्षेत्र बजाजा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुनील विकल ने बताया कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर विद्युत मोक्षधाम परिसर में रखी अज्ञात मृतकों की अस्थियां विसर्जन के लिए सोरों कचला घाट पर जाती हैं। उससे पूर्व मृत आत्माओं की शांति के लिए यह सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जन का काम करती है। और लगे 20 वर्ष पूर्व ये एक विचार आया कि पितृपक्ष जो हमारे पितरों का अंतिम विश्राम स्थल मोक्षधाम होता है, तो मोक्षधाम पर एक कुछ धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो। तो ये पितृपक्ष में 2 कार्यक्रम पिछले लगभग 15-20 साल से चल रहे हैं। सुंदरकांड संगीत में आयोजन नायकी मंडली द्वारा किया गया। निश्चित ही वो समय समय पर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। और आज ये जो पावन महीना चल रहा है, इसमें बाबा के दरबार में भव्य फूल मेला सजाया गया और आरती के उपरांत प्रसाद दिया। सत्संग भवन में आयोजित सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम में शहर भर से कई प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।